हाय अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 6 महीने तक के बच्चे का कार्डिगन पैटर्न है। स्क्रीन पे आप जो कार्डिगन देख रहे हैं इसके पीछे के हिस्से में 60 फंदे डाले गए हैं और आगे के दोनों हिस्सों में 32 फंदे डाले गए हैं। अगर आप इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। शुरू के 5 फंदे बटन पट्टी के हैं, जिसमें से पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे यानी कि स्लिप करेंगे, फिर ऊन आगे लाके 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। आप देख सकते हो ऐसा करने से हमारे साइड में जो चोटी है ये बनती चली जाएगी। अब इसके बाद हम ऊन पीछे ले जाके 5 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। इसके बाद हम ऊन को पीछे ही रखेंगे और इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे, पलट के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से कर देंगे। और देखिए इस तरह से हमने फंदों को घटा लिया। इसके बाद हम ऊन आगे ला के फंदे को बढ़ाएंगे और 8 फंदे सीधे बुन देंगे। इस तरह से 8 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें जाली डालनी होगी, तो हम ऊन आगे लाएंगे और जाली डालेंगे और डिज़ाइन रिपीट करेंगे यानी कि 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर उसके बाद इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और फिर 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 5 फंदे हम सीधे बुन देंगे। और इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई को उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई में हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना और इसे प्लेन उल्टा बुनते जाना है। दूसरी उल्टी सिलाई बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस डिज़ाइन में जितनी भी उल्टी सिलाइयाँ हैं वो सारी दूसरी सिलाई के जैसे आपको बनानी होगी। एक और चीज़ का ध्यान दें, आज का स्वेटर किड्स स्वेटर पैटर्न है। इस तरह के हमने आपको और भी ट्यूटोरियल्स पहले बना के दिखाए हैं, अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो स्क्रीन के ऊपर देखिए राइट हैंड साइड पे किड्स स्वेटर प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस तरह के और स्वेटर पैटर्न सीख सकते हो। और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। जो शुरू के 5 फंदे हैं उन्हें वैसे ही बुनेंगे यानी कि 1 फंदे को बिना बुने उतारेंगे और 4 फंदे उल्टे बुन देंगे। इसके बाद ऊन पीछे ले जाएंगे। हम आते हैं मेन डिज़ाइन पर, तो अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का 1 फंदा हम इस तरह से कर देंगे। अब इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, देखिए ऊन आगे लाए, इसके बाद हम जाली डालेंगे, तो हम पहले दूसरे फंदे को आगे से बुन देंगे। इसको बुनने के बाद हम पहले फंदे को बुनेंगे। इसके बाद हमने दोनों फंदों को इस तरह से उतार दिया। अब हम पीछे से बुनेंगे यानी कि जो पीछे वाला दूसरा फंदा है इसे पहले बुन देंगे, इसके बाद पहले फंदे को आगे से बुन देंगे और इन दोनों फंदों को इस तरह से उतार देंगे। इसके बाद जाली आ गई है, तो हम ऊन आगे ला के जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा आगे से कर देंगे। इसके बाद हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 4 फंदे सीधे बुनने के बाद हम 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। उसके बाद हम ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे यानी कि जाली डालते हुए पहले जो दूसरा फंदा है उसको आगे से बुन देंगे, इस तरह से ढीला करेंगे और इसको बुन देंगे। इसके बाद जो पहला फंदा है उसे बुन देंगे और दोनों फंदों को बुन के उतार देंगे। इसके बाद जो पीछे का फंदा है उसमें पहले दूसरे फंदे को बुन देंगे और इसके बाद हम पहले फंदे को बुन देंगे और इस तरह से दोनों को सिलाई पर से उतार देंगे। इसके बाद ऊन आगे ला के जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों का 1 फंदा करना रहेगा। इसके लिए हम सबसे पहले इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और फिर 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद 1, 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुन दिए। अब इसके बाद चौथी सिलाई आपको दूसरी के जैसे बनानी होगी। हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर,
और इस तरह से पांचवी सिलाई में शुरू के पांच फंदे हम बटन पट्टी के जैसे अब तक बुनते आए हैं वैसे बुन देंगे। इन पांच फंदों को बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से दो फंदे सीधे बुनने के बाद हम दो फंदों का एक फंदा आगे से कर देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाएंगे और जाली डालेंगे, तो उसका प्रोसेस वही है, यानी कि हमें इस तरह से दूसरे फंदे को लूज़ करना होगा उठा के। इस तरह से हमने इसे लूज़ किया, फिर उसके बाद हम दूसरे फंदे को पहले बुन देंगे। इसको बुनने के बाद हम पहले फंदे को बुनेंगे और दोनों फंदों को सिलाई पर से उतार देंगे। इसके बाद हम दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब इसके बाद हम इस फंदे को पीछे से बुनेंगे और जो पहला फंदा है उसे आगे से बुनते हुए इन दोनों फंदों को इस तरह से उतार देंगे। अब जाली आ गई है तो हम जाली डालेंगे। इसके बाद इस फंदे को हम इस तरह से पलट के चढ़ा देंगे और फिर दो फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और फिर इसके बाद दो फंदों का एक फंदा आगे से कर देंगे। अब जाली आ गई है तो जाली के ऊपर जाली डालेंगे, फिर वापस वही स्टेप रिपीट करेंगे, यानी कि दूसरे फंदे को इस तरह से लूज़ करेंगे, इसको पहले बुन देंगे, फिर दूसरे फंदे को जो पहला फंदा है उसको बुन देंगे और दोनों फंदों को उतार देंगे। इसके बाद दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और फिर जो पीछे का फंदा है इसको इस तरह से हम पहले दूसरे फंदे को बुन देंगे और फिर पहले फंदे को बुन देंगे। इस तरह से हमने दो फंदों का एक फंदा कर दिया। फिर ऊन आगे लाके चार फंदे जो बच रहे हैं इसे हम देखिए इस तरह से बिना बुने उतारेंगे, पलट के चढ़ा देंगे और फिर दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। और फिर जो आखिरी के दो फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद छठी सिलाई आपको दूसरी के जैसे बुननी होगी। अब हम आते हैं सातवीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में भी शुरू के जो पाँच फंदे बटन पट्टी के हैं उन्हें उसी तरह से बुनेंगे जैसे हम अब तक बुनते आए हैं। इसके बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने एक फंदा कम कर दिया है। अब हम फंदा बढ़ाएंगे तो ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और दूसरे फंदे को इस तरह से खींच के उठाएंगे, पहले इसे बुन देंगे, इसके बाद पहले फंदे को बुनेंगे और इस तरह से हम दोनों फंदों को सिलाई पर से उतार देंगे। इसके बाद चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। तरह से चार फंदे सीधे बुनने के बाद हमें वापस से दो फंदों का एक फंदा करना होगा, वो हमें पीछे से करना होगा। और आप देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा कर दिया और दोनों को सिलाई पर से उतार दिया। इसके बाद ऊन आगे ही रखेंगे, इस फंदे को इस तरह से पलट के चढ़ा देंगे और दो फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद हम आगे से ये दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो देखिए एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया, एक फंदा हमें यहाँ बढ़ाना है, तो हम ऊन आगे लाके सेकंड फंदे को इस तरह से लूज़ करेंगे, इसको पहले बुन देंगे, इसको बुनने के बाद जो पहला फंदा है उसे भी बुन देंगे और दोनों फंदों को सिलाई पर से उतार देंगे। और अब हम चार फंदे सीधे बुन रहे हैं। इस तरह से चार फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए ये जो पीछे का फंदा है इसको हम पीछे से पहले बुन देंगे दूसरे फंदे को, फिर पहले फंदे को आगे से बुन देंगे और इन दोनों को सिलाई पर से उतार देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे, तो इसको पलट के चढ़ाएंगे और पीछे से दो का एक कर देंगे और फिर एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद आठवीं सिलाई दूसरी के जैसे बनानी होगी। आठ सिलाई में जाके हमारा आज का डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। आठ सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।